हरि ओ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाख्य मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति माधव नित्यं सर्वकाजसु माधव परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन नारायणंकर मंगल आरती दर्शन करि सारिबा परे मनोनिवेश कले ये भावना को सूर्य नारायण उदय पर्व को नहीं आसी तीर्थराज महोदरी कूल अनेक भक्त सूर्य उदय दर्शन जारी रखी आपण माने से दर्शन चिंता को मनरे रखि प्रभुंकर इच्छा प्रभुंकर कृपा ये समस्त को सकल जगत को से कृपा करिथांति सूर्य नारायण तांकर कृपारु ही ए सारा जगत बची रही जल स्थल आकाश कीट पतंग पशु पक्षी प्रत्येक प्राणी से सूर्य नारायण उदय रे से उदित होंति समस्ते नुआ एक जीवन अनुभव करते सुंदर भाव आमे नील जल राशि समुद्र ऊपर तंकर जो किरण देखुचंती से किरण रो प्रतिछवि मध्ये गोटे भाव सृष्टि करुचंती सूर्यंकर से लाल वर्ण धीरे धीरे ईशत रंग रे चतुर्पार्श गोटे बलय ईशत बलय मध्य रे श्वेतवर्ण सूर्यंकर प्रकटित आपण ए दर्शन मिलुची अर्थात सूर्य नारायणंकर कृपा मध्ये आमे लाभ करुचे तांकरी कृपा कारण भगवान को निज शक्ति बल रे के जानी परिबे नाही तांकु केवल तांको कृपा बल रे ही जानिबा संभव हो से प्रभुंकर कृपा हेची आमे सूर्यंकर उदय दर्शन कले सूर्य उदय दर्शन रो जो प्राप्ति हेचे केवल प्रभुंकर कृपा रु प्रथमे आमे ए स्वीकार करिबा स्वीकार करिबा नाही भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य प्रभुति द्वारा जानी होती नाही भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य प्रभृति द्वारा जानी हुवंती नाही जिज्ञासुर श्रद्धा विश्वास द्वारा भगवत कृपा द्वारा ताकू जानी हुए श्रद्धा विश्वास थिबो जदि आपणकर श्रद्धा नथिबो सूर्य उदय दर्शन करिबा पई किबा विश्वास नथिबो सूर्य उदय दर्शन कले शरीर समस्त रोगनाश हुए तबे आपण दर्शन करि परिबे नाही श्रद्धा विश्वास सहित जदि भगवान भगवानकर कृपा नथिबो ता मध्ये आपण सुजोग प्राप्ति हेई परिबे नाही सेति पई भगवान अति कृपाळु बोली आमे समस्त जानिचे से कृपा सागर को कृपार केबे अंत हुए नाही ए कथा मध्ये आमे जानिचे कृपार बारिदि कृपार वर्षा करंती बोली ए कथा मध्ये आमे जानिचे बड़ विचित्र ढंग रे से भक्तक उपरे कृपा करंती केते बेले कृपा करंती से भक्त ही अनुभव करे नाही भगवान को कृपा हला अजोग्य मनुष्य को उपरे भगवान और संत महापुरुष को विशेष कृपा करंती किंतु से कृपा जेते बेले हुए कृपा को योग्य मनुष्य ही विशेष भाव बुझी पारंती भगवान तांकर भक्त संत महात्मा को कृपा रु जो कार्य संभव हुए ता कोनसे साधन बल रे होई पारे नाही से मानक कृपा मध्य अहेतुकी तेणु जेते बेले देखिबे परमात्मा परात्पर परमेश्वर प्रभु कृपा करिचंत आपण सब किछि पाउचंत परमात्मा निजे कृपा करिकि मिलंत तांकु कोनसे साधना बल रे किणि नेबा संभव हुए से नकला कृपा नकला जे आपण तांकु पाइबे तू जीव जेउंति थाउ ना काई कि नरकरे थाउ स्वर्गरे थाउ मनुष्य जन्म पाई थाउ बा पशु जन्म पाई थाउ भगवान ताकु निजर अंश बोली स्वीकार करिचंति करंत सतरे एक कथा जेतेबे चिंता करिवे या तांकर केते अहेतुक कृपा उदारता से कथा अनुभव करिवे आपण निजकु निजे ओ महानता मध्य भगवान कर मैलम बेश मैलम कुआ जाए पतित पावन देवंकर जहाँ पूजा पंडा सेवक करुअ आपण देखुचंती ता हेउची
ବେଶମ ଐଲମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ଲେଖା ରହିଛି। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପଟେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ରହିଛି ବେଶମ ଐଲମ। ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଲାଲ ରଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖରତା ତୀବ୍ରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସିବେ ଶୀତଳତା ହୋଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଷ୍ମତା ହୋଇ ପ୍ରଖରତା ଉଷ୍ମତା ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପୁଣି ଶୀତଳତା ହୋଇକି ସେ ଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦୟ ପର୍ବଠୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତଜାତ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ନ ଦେଖିଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। କେହି ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏ ସମାନତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିରଣ ସବୁଠିକି ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିରଣ ସବୁଠିକି ଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆଣିଥାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା, ମନ ଲାଗିଲେ ଭଜନ ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ମନ ନ ଲାଗିଲେ ଖାଲି ରାମ ରାମ କରି ଲାଭ କ'ଣ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ମନ ଲାଗିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମନ ଲାଗିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମତା। ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେବାର ଯେତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ମନ ସ୍ଥିର ହେବାର ସେତେ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଲୌକିକ ସିଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ପରମାର୍ଥିକ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ମନ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାହିଁକି କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ଯେତେ ବାଧକ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ବାଧକ, ମନ ଲାଗିଲେ ସେତେ ବାଧକ ନୁହେଁ, ଯଦି ମନ ଲଗେଇଛି ସେତେ ବାଧକ ନୁହେଁ। କହିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ଯେତେ ବାଧକ, ମନ ଲାଗିବା ସେତେ ବାଧକ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଅତି ମହତ୍ଵ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଗଦ୍ୱେଷ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ। ରାଗଦ୍ୱେଷ ଦୂର କରିଦେଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଲାଗିଯିବ। ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଏ ବାହାରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଳପତ୍ରରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କିଛି ମିଠା ଖଇ ଏବଂ ସାକର କୋରା ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି ଯିବା ମାନେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ। ତାଳପତ୍ର ଦେଖିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ନା ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏ ଭାବନା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମମତା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଅଶୁଦ୍ଧି, ମମତା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଅଶୁଦ୍ଧି।
जेपर्यंत मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुगुड़िकर आश्रय त्याग न करिछि एवं मन भितर सेगुड़िक सहित संबंध रखुचि से पर्यंत जिते अक्रिय हो चित्तवृत्ति को जिते निरोध कले से योगी हो पारे ना। अवश्य चित्तवृत्ति निरोध हेले ताकु नाना प्रकार सिद्धि मिली पारे किंतु कल्याण हुए ना। चित्तवृत्ति निरोध करिदेले केही हो जाए ना। जितेबले से कर्मफल त्याग करिदे सेतेबले से योगी हुए। कर्मफल आशा थिबा पर्यंत वृत्ति निरोध करिदेले हुए तो अनेक सिद्धि मिली जाई पारे किंतु कल्याण हेब ना। भगवान कोठार मन लागुन मन को स्थिर कले भगवान को पाखरे आसी थाए। चंचल मन को स्थिर करने एकमात्र उपाय होची यही समय जो समय आपण माने जहाँ दर्शन करुचंती प्रभु सूर्य नारायण रवि नारायण करो जिते बड़े देखिबे भगवान को ठारे मन लागू ना। यार कारण कौन? यार कारण हैला जिते बड़े संसार रु संबंध छिन्न करी ध्यान करूना संसार सहित रखिकी ध्यान करुचु बर संसार सहित संबंध रखि ध्यान करुचु अतएव निजर सुख सेवा निमंत अंतर क्या कहले निजर मन न करतु अर्थात कहारी प्रति ममता न रखतु कारण जो ममता थी से मन चली जो ममता रही मन जी जदि केवल परमात्मा प्राप्ति ही उद्देश्य हुए सबुथ निलिप्त रहे तेरे भगवान मन लगिपर। प्रत्येक पुष्प अलंकार को सुंदर भाव में मैलम करी केवल भगवान वस्त्र जहाँ पिंधि प्रभु पतित पावन नारायण से वस्त्र को करी तड़प उत्तर अवकाश बेश प्रभु दर्शन देवे से दर्शन भी आप प्रत्येक दिन पाती तेणु आम चिंता करूले कहते जे मन प्रभु पाखे लगवापी ए मन को प्रभु पाखे आउ गोटे जोठिक मन जाऊँगी परमात्मा स्वरूप भावत जिते बड़े जना पड़े जे मन एवं विषय चिंता करते विचार करूँ जे चिंतन वृत्ति तथा से विषय आधार प्रकाशक होती परमात्मा यह ही परमात्मा ठारे मन लगवा केवल भगवान करो केवल भगवान ही मोर मु शरीर संसार नुहे कि शरीर और संसार मोर नुहति भगवान सहित यहपर संबंध हो गले स्वाभाविक भाव में जगत चिंतन हेब करने को पड़ ना। मन को परमात्मा ठारे ही निविष्ट करार एक उत्तम मार्ग हूँ प्रभुंर भजन कीर्तन करवा के आनंद देखुं से आनंद केवल भजन कीर्तन रु ही मिलूँ तेणु मन को परमात्मा करे निविष्ट करार एक उत्तम उपाय कौन मन जो सब स्थान को जाए से परमात्मा को देख अथवा मनरे जो सब चिंतन आसे से सबू परमात्मा को स्वरूप मन करोटे करें मन जदि जो स्थान को जाए से परमात्मा को देख से स्थान देखिए परमात्मा को चिंतन करेंगे से सब परमात्मा स्वरूप ये कथा कले भी भगवान करो चिंतन दर्शन कृपा मध्य मिली थाए निजे भगवान ठारे न लगे निज को संसार लगाई अर्थात निज मु संसारी मु गृहस्थ एपरी मन करी चित्त को भगवान ठारे लगेबा को चाहे तार चित्त भगवान ठारे निरंतर लगे ना। हेल तुंडे कहत निजे भगवान ठारे न लगे निज को संसार लगे जो माने संसारी बोली कहते गृहस्थ बोली कहते एपटे कह भगवान मन लगुन संसारी हो चित्त को भगवान लगे चाहिए ता लगे प्राय असंभव तेणु सदा बेले मन चित्त हृदय सब कहते भगवान रहू भगवान चिंता को आम निश्चित भाव चिंतन करिबा कारण
ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କୃପା କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତିନି। କି ଅମୁକ ଜାତି ରୂପ ଧନ ଆୟୁରେ ଉତ୍ତମ ବା ଅଧମ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କୃପା କରି ଚାଲନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର କୃପା କରିବେ। ନିନ୍ଦ୍ୟ ବା ସ୍ତୁତ୍ୟ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପୀ ମହାବେଗ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ହିଁ ଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଭଗବାନ ତାହା ହିଁ ଦେବେ, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ ତାହା ଦେବେ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଭଗବାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚାହିଁବା ଅନେକ, ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର, କାରଣ ସିଏ ଦେବା ଲୋକ, ସିଏ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଲାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଗିବ, ଚିନ୍ତା କରୁ ଆକୁ ଦବା ନା ଦବାନି, ଦେଲେ ଇଏ ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ଫେରେଇବ ନା ନାହିଁ, ଦେଲେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନା ନାହିଁ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କୃପା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେ କୃପା କରି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତା ରାମାୟଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ସତଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଗର ଗର୍ଭ ବା ସାର ଗର୍ଭକ ବିଷୟ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମୂଳତଃ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଯାଇଛୁ, ବାସ୍ତବରେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଯେଉଁଠି ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କା ପୁରୁଷ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅସଫଳତା ଉଭୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସମ ଓ ନିର୍ବିକାର ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ସାଂସାରିକ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ସିଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ସିଦ୍ଧି ଅନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରାଧୀନ ନୁହଁ, ମାନବ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଜଠାରେ କାପୁରୁଷ ଭାବକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିରାଶ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଗଛ, ଲତା, ପାହାଡ଼ ଆଦି ଯାହା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିରାଜମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂସାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତୁ, ମୀରାବାଈ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଛି। ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା, ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଶରୀର ତ ଅଲୌକିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଯାହାକି ଦିନେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ଏହା କଦାପି ଯାଏ ନାହିଁ, ମରେ ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ, ମରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କେତେବେଳେ ମନରେ ଏପରି କାପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କମ, ଅଥବା ମୋର ଆଚରଣ ଠିକ ନୁହେଁ, ମୋର ଭାବ ଠିକ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା ବିଲକୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।
तेणु भगवान अनंत हे अनंत प्रभावशाली भगवान को आम यही त्रैलोक्य आपण साधन मध्य अन्य कई ना कारण भगवान साधन द्वारा अन्य किसी ना तेणु कहगला हे अनंत प्रभावशाली भगवान ये त्रैलोक्य आपण साधन मध्य अन्य कई ना पुणे आपण कहीं अधिक हो पारे ना तेणु निश्चित भाव जो प्रातः समय भगवान दर्शन करी मन भितर जो प्रार्थनार भाव जाग्रत करी प्रार्थना करूछंती समस्ते समस्ते भगवान निकट रे प्रार्थना करूछंती शरणापन्न भाव आणुछंती कारण प्रार्थना एवं शरणापन्न तत्काल सिद्धि प्रदान करे कौन सी विपद दुख संताप संशय इत्यादि उपस्थित हेले भगवान को आर्त भाव डाकंतु तांको निकट प्रार्थना करंतु लाभ मिलिबो कारण आमे जानिचे विभिन्न शास्त्र आदि रे ग्रंथ आदि रे आमे सुनिबा को मिलिचे पढ़ीचे गजेन्द्र ठू आरंभ कर द्रौपदी उत्तरा प्रभुति विपद बेले भगवान को स्मरण करिथिले आर्त भाव डाकी तेणु भगवान तत्णात से मानक रक्षा कले जिते बड़े निजर कौन सी बल कम कै ना बुद्धि कम कै ना से शरणापन्न भगवान को कृपा कम कै से भी आम शरणापन्न जो सबुआड़े निराश हो जावा केवल प्रभु चरणाश्रित होते आमको बाट मिल जाए से चरणाश्रित होगापी भक्त मैंने आसुंच ये होचंती काकुड़ी खाई छक बोली कह जाए आए मठटी देखुंती ये मठ हूँ श्रीक्षेत्र अनेक मठ रही अनेक मठ भितर प्रत्येक मठर किसी स्वतंत्रता रही था एमार मठ जो प्रभाव विभवशाली मठ से मठ देखुंती ये देखुंती प्रभुंकर रोषशाला एवं परिक्रमा मार्ग रे भक्त माने आसुचंती सकाळु प्रातः दर्शन करिबा पई परिवार सहित जे जो स्थान रे रहितांती से स्थान रु से द्वार फिटा परे प्रातः समय रे से आसी प्रभुंकर दर्शन करिबा पई विभिन्न दिगरु के समुद्र कूले रे रहितांती के मंदिर निकट रे रहितांती के निजर वास भवन रे रहितांती स्वस्व स्थान रु से गुटी स्थान को आसीतांती से स्थान होचे श्रीक्षेत्र रो बड़ देउळ श्रीमंदिर जो श्रीमंदिर प्रमुख द्वार को दर्शन करुचंती ये जो द्वार सर्वदा आपण देखुचंती ए द्वारटी हेउची प्रभुंकर सिंह द्वार धर्मर द्वार प्रमुख द्वार बोली कहा जाए यही द्वार बाटे देवतांकर प्रवेश हुए देवतांकर प्रस्थान होइथाय जेतेबेले प्रभु आसंती से प्रभु यही देह सो देहरे यही द्वार देकी आसीथांती प्रभुंकर यात्रा जेते बेले करंती कारण प्रभु जेते बेले करंती सबु बेले निजे आसी थांती दुईटी यात्रा महाप्रभुंकर कुआ जाए जेते पर्व पर्वाणी उत्सव महोत्सव श्रीक्षेत्र हुंती प्रभुंकर आदेश रे प्रभु होचंते मुख्य अर्थात करंती एवं करंती भगवान करंती एवं करांती आज्ञामाल प्रदान करी करांती से जोटी की जानती नी सेठी आज्ञामाल प्रदान करिवे विजय प्रतिमा प्रतिनिधि माने जानती जेमती तोरण लक्ष्मी के आम दर्शन करूचे माँ लक्ष्मी प्रतिनिधि भाव रे श्रीदेवी जानती जी उपासिता रत्न सिंहासन रे सप्तधा विग्रह मध्यरे श्रीदेवी अछंती अन्यतमा लक्ष्मी प्रतिनिधि स्वरूप श्रीदेवी की आम देखि थौ जोटे लक्ष्मी किसी कार्य थाए श्रीदेवी सेठ विजय ही था विजय प्रतिमा बोली कह जाए से महाप्रभु विजय प्रतिमा अनेक अच्छा अनेक पर्वपर्वाणी प्रभु आज्ञामाल प्रदान करते कि दुईटी यात्रा रे प्रभु आज्ञामाल दिखती ना अनेक आज्ञामाल प्रदान करती नृसिंह को प्रदान करते आज्ञामाल राम को आज्ञामाल प्रदान करती मदन मोहन को आज्ञामाल प्रदान करती दोलगोविंद को आज्ञामाल प्रदान करती जीए मंदिर बाहर को आसले बा कौन से पर्वपर्वाणी जो विजय प्रतिमा सेवा थाए
बा जो विजय प्रतिमांकर भूमिका थाए तांकर बाह्य यात्रा करिबा पई प्रभुंक ठारो आज्ञा माळ देथांते अर्थात महाप्रभु करांति दोल गोविंदंक माध्यम रे करइबे मदन मोहनक माध्यम रे करइबे चक्रंक माध्यम रे करइबे करांति एवं निजे करंति जेतेबेले निजे करंति निजे आसंति सेतेबेले आज्ञा माळर आवश्यकता न थाए प्रभु आज्ञामाळ प्रदान करते स्नान यात्रा रे प्रभु आज्ञामाळ प्रदान करिवे कारण निजे सीए जीवे जोटे निजे जानते से आज्ञामाळ आवश्यकता न थाए रथ को आसवे प्रभु निजे आसवे तेणु आज्ञामाळ न थाए रथ निर्माण करने आज्ञामाळ देवे किंतु रथ को जिते बड़े रथ यात्रा दिन आसत सी आज्ञामाळ देवे निजे आसवे तेणु कह जाए दुईट यात्रा रे प्रभु आज्ञामाळ दिंते ना रथयात्रा एवं स्नान यात्रा ता पूर्वरु जते बेले आसीबे देखिबे पवित्र अक्षय तृतीया दिन जो रथ निर्माण हबो सेतिपई प्रभुंकर आज्ञा आसी थाए जे रथ निर्माण कर बोली आदेश देथांती करिबा पई जो कुहा जाय अनुमति महाप्रभु देथांती बिना अनुमति रे बिना आदेश रे के किछि करंते नाही तेणु प्रभुंक पाखरे सर्वदा आमे जेतेबेले देखुचंती आपण माने देखुचंती प्रभुंक ठारे आमे मंगल आळती ठारु प्रभुंक दर्शन करितले द्वार फिटा दर्शन कले मन सबुबाळे प्रभुंक चरणा तळे ही चरणाश्रित हेबा पई निश्चित भावरे परमात्मा ठारे मन को रखिबा कारण मन को परमात्मा ठारे निविष्ट करिवार सहज उपाय कहुतले जेउ सबु स्थान को जाए मन जेउठी की जाए सेठी परमात्मा को देखिबा आपे आपे मन निश्चित भाव रे से देखिबे भगवान को ठारे रहिबो मु भगवान कर भगवान मोर इपरि जदि स्वयं भगवान को प्रति अपना भाव हो जाए मन स्वतः भगवान को ठारे मजी जाए तलिन हो जाए भक्ति दृष्टि देखिबे एकमात्र परमात्मा को व्यतीत अन्यर सत्ता नथिबारु तांकर मन अनन्य आड़ को जाए ना जीव बाकी काहीकि जीव केउंटी की जीव से तो देखिले जे भक्त कह परमात्मा ही मोर सबकि तेणु मन तांकरी ठारे रहिला जनक पाखरे मन रहिले अन्य आड़ी के मन जीवा कष्टकर हिताए केवल प्रभुंक पाखरे मन रहिले एही चंचल मन जदि प्रभुंक पाखरे थरे मजिगला प्रभुंक पाखरु आसीबा कष्टकर हुए ए स्थानटी देखुचंती श्रीमंदिरर बड़ देउलर प्रमुख साईटे सात साई रु प्रमुख साई दोलमंडप साई जो दोलमंडप साईर प्रवेश पथ जोटि षोलपुओ माँ उपासिता होती ठाकुराणी आज चैत्र मास मंगलवार मंगलांकर उपासना प्रत्येक नारी माँ माने करिवे कारण चैत्र मासटी को शक्तिंकर उपासना भावे समस्त सर्वत्र ग्राम ठारु आरंभ करी शहर पर्यंत मंगलवार आसीगले अत्यंत शुद्धपुत भावे जेमती मार्गशीर मास गुरुवार आसिले समस्त मनरे माँ लक्ष्मीकर उपासना करिबा पई घर द्वार लिपा पोछा ठारु आरंभ करी झोटी चिता मुरुज पकई माँकर स्वतंत्र भाव उपासना करिथांती सेइभळी चैत्र मास जेतेबेले आसे सर्वत्र मंगलांकर उपासना करा जाई थाए जो मंगला माँ को उपासना करी परिवार रो कल्याण निमंते परिवार रो मंगल निमंते माँ मंगलंकर उपासना करा जाई थाए आज से मंगलांकर चैत्र मंगलवार बोली कह जाए शंख दर्शन करुछन्ते एवं निर्माल्य पुड़िया जो निर्माल्य पुड़िया करा जाई छी लालिकोना आवृत करा जाई श्रीक्षेत्र को जी आसंती से श्रीमंदिर बाहरी यही निर्माल्य पुड़िया टीए खोजी था कारण यही निर्माल्य पुड़िया कणिका निर्माल्य जीव को दे था मुक्ति परिणत बयस आसी थाए परिणत बयस जितेबले यधाम भवसागर उद्धार पाइबा प्रभु को चित्कार करुवा अर्थ प्रार्थना करुवा घरे प्रत्येक ओडिया या साहित्य रखी था नाली पुड़िया टीए नहीं था जेतेबेले शेष अवस्था रे निर्माल्य जल टिके तुंडरे देइथांती निर्माल्य जल पई आशा रखिथांती मध्य
ए घटरे थिबा से आत्मा जितेबले निर्माल्य जल दिया जाए शेष अवस्था आसे समस्ते कहते पाटी टिके निर्माल्य जल दे दियो। देखंतु काहीकी ए विश्वास कथा जदि उठी गोटे व्यक्ति जदि तार कौनसी खाद्य प्रति आसक्ति थाए जिते आसक्ति थाए समस्तंकर गोटे गोटे खाद्य प्रति आसक्ति थाए कि मीठा प्रचुर खाई थाए कि आमिषाशी भक्षण करी थांती कि निरामिषाशी भक्षण करी थांती खाद्य प्रति समस्तंकर टिके लोभ थाए एवं खाद्य प्रति गोटे गोटे खाद्य अत्यंत तांकु स्वादिष्ट आसी थाए से सेइटा को ग्रहण करी थांती समस्तंकर किछि ना किछि खाद्य स्वतंत्र खाद्य प्रति लोभ थाए और से खाद्य को से बारंबार खाई चली थांती किंतु जेतेबेले आपण देखिबे हटात आपणकर ए भवसागर जीवापी शेष अवस्था आसला जिते आपण को जाणी था तू ये भल खाद्य खाए अमुक खाए कहीं कहबेन से खाद्य दिए बोली कहा तुंडर बाहर प्रत्येक तुंडर बाहर आहा तुंड निर्माल्य जल दिए दिया जाऊ तुंड निर्माल्य जल दे दिंतु जीव मुक्ति पाई जीव मोक्ष पाइज से निर्माल्य पुड़िया टे जितेबले आसी थांती श्रीक्षेत्र रे दर्शन सारी ताकू भूलंती नाई कारण मुक्ति मोक्ष पाइबा पाई समस्तंकर आशा थाए मुक्ति मोक्ष को भूलंती नाई मुक्ति मोक्ष देवा जे दियंती देवता ताकू मध्य भूलंती नाई मुक्तिदाता हेउचंती प्रभु मोक्ष दाता हेउचंती प्रभु तेणु जीवन रे थिला जाए दिने ना दिने मुक्तिदाता पाख को आसी दर्शन कर जीवन को कृतार्थ करती मुक्ति मोक्ष कामना करी थांती प्रभु ठारु सिंहद्वार मुह प्रमुख भाग सम्मुख भाग रे ये सब जो माने आसंती पतित पावन को टिके दर्शन कर दियंत पतित पावन दर्शन करी कार्य को स्वस्व कार्य को से चली जाती जे जो कार्य लिप्त था कर्म क्षेत्र को जाती पतित पावन देवंकर दर्शन करने पूर्वक से तापरे कर्म क्षेत्र को जाती ये तांकर मन भितर भक्तिर भावर उत्कंठा तेणु सका आसी जाए मंदिर भितर को जातु न जातु नीलचक्र को टे दर्शन करदे पतित पावन बाना को दर्शन करदे पतित पावन को टे दर्शन करेंगे जो मैंने पतित पावन दर्शन करने सिंहद्वार को न आसी था सेने कौन कार्यवशत श्रीक्षेत्र बाहर को जाती गोटे स्थान अच्छी श्रीक्षेत्र प्रवेश पथरे अठर नला जो कहा जाए प्रायत तो देखिए जो अठर नला पहुँचवा क्षण पूरी छाड़ा पूर्व टे नीलचक्र को टे चाहिए था पतित पावन बाना को टे चाहिए था ये दृश्य हूँ से सिंहद्वार मुहरे कि शस्य चाउल सोला गहम ये सब पका जाए था ये पक्षी मानक पाई पारा मानक पाई पारा माने खुंटी खुंटी से तांकर प्रातः कालरु लागि जांती खाद्य संग्रह कारण पक्षीटे तार चिंता कौन गोटे पक्षी सी पारार चिंता पक्षी मानकर चिंता किसी खाद्य संग्रह करिवे निजे खाइबे निज पिला मानक पाई थंटरे तांकर नहीं कि पिला मानकु आहार टिके देबे तेणु जेतेबेले देखिले सिंहद्वार सम्मुखरे बादान्य व्यक्ति माने मध्य किछि चाउल पकई थांती पारा मानक उद्देश्य रे कारण सहजरे जो ग्रीष्म प्रभाव आसलाणी जो प्रबल रु प्रबल ग्रीष्म हबार संभावना को आम शुणुचे तेणु जीवे दया भाव टिके रहिबा आवश्यक जो माने भी ये ग्रीष्म प्रभाव आम जमी गरमर सह्य न करू तुषार्त हो विभिन्न प्रकार पानीय जल ग्रहण करपानक पणा ठार आरंभ कर तरभुज ठार आरंभ कर आखुरस पर्यंत समस्ते किसी जलपान करषार्त मेटापी से भाव घर छात उपर घर कौन सी स्थान हो कि पक्षी मानक जो माने बाहरे तांकर चलप्रचल करचंती पारा ठारु आरंभ कर जिते प्रकार कीट पतंग अच्छा समस्त किसी
जलदान व्यवस्था निजे करंतु। जलदान सबुठ श्रेष्ठ दान बोली मध्य कुआ जाए। दान विभिन्न प्रकार दान करंतु, वस्त्र दान ठु आरंभ करी गृहत्य दान ठु आरंभ करी गोदान पर्यंत, भूमि दान ठु आरंभ करी सुवर्ण दान पर्यंत जिते दान रही, श्रेष्ठ दान होची जल मुदे काहा को दबा। जणंकर शोष अवस्था रे, तुषार्थ अवस्था रे, से जो आनंद से जो तृप्त होई थाए, से तृप्त ही आपण देखिबे आपणंकर ऊपर ही पड़ी थाए। दीपटीए ये पुणे अखंड दीप बोली कहा जाए। अखंड दीप प्रभु को पाखरे लागे, जो जगन्नाथंकर रत्न सिंहासन रे देखिबे। द्वार फिटिला, प्रथम नीति करागला, प्रथमे प्रवेश करिबे गंभीरा को पोखरिया को संपृक्त सेवक माने समस्त प्रवेश करते। प्रथमे प्रवेश कोलाहाट द्वार खोलिकी प्रथमे संपृक्त सेवक माने तांकर जहांकर सेवा थाए से जानती, ता मध्यरे प्रभुंकर अखंड मेकअप सेवक रही था। से जो अखंड दीप जला हुए महाप्रभु पाखे, जेतेबेले महाप्रभुंकर शयन नीति हुए से दीप को ओल्हे दिया जाए। दीप जलईवा राशि तेल रे स्वतंत्र भाव रे दीप दिन तमाम जली थाए, से सेवक होचुंद अखंड मेकअप, अखंड जाळीबे सी। तेणु प्रभुंकर एमते अनेक सेवक रही थांती। भक्त माने आज प्रातः समय रे आसी प्रभु को दर्शन सहित जोठी नामयज्ञ हुए, कारण आमे जाणीचे जो दान धर्म पुण्य आदि करिबा, पुण्य मिलिबा दान कले पुण्य मिली थाए, पुण्य मिलिबा प्रभु को नाम कले पुण्य मिली थाए। पुण्यतार आशा, पुण्यतार मार्ग अनेक थाए। जोठी नाम होता है सेठी खाली उपस्थित रही आपण पुण्यता पाई। नाम करंतु न करंतु, नाम शुणतु न शुणतु, नाम जो स्थान हो स्थान आपण खाली उपस्थित रही। जो माने नाम करुचंती सी तो पुण्यता पाइबे। ये बटवृक्ष टे देखुचंती, बरगछ टे, ये दक्षिण द्वारा मार्ग देखुचंती। ये दक्षिण द्वारा मार्ग कौन ना, जोटी हनुमान दक्षिण द्वार हनुमान अछंती, अश्वद्वार बोली कहा जाए, एवं से जो बंधु महांती आश्रम, प्रभुंकर बंधु महांती जाजपुरिया बंधु, जो कहा जाए पेजनला ठारे आसी सपरिवार सोइथिले भोग उपासरे क्षुधार्त परिवार, से डहल विकल ही भगवान को डाकुथिले। सधर्मिणी कहते काही तुमर बंधु कुआडे गले, नानाजी प्रकार ताच्छल्यर प्रश्नबाण रे शिकार होते बंधु महांती सधर्मिणी कर। से यही स्थान जो स्थान देखुचंती, से स्थान टी अत्यंत पवित्र स्थान, जो स्थान रे पेज नलार कहा जाए निर्गत प्रभुंकर समस्त महाप्रसाद जो रोष घरे प्रस्तुत करा जाए, तार पेज सब निर्गत हुए यही द्वार दे, से गोटे स्वतंत्र भाव पेज नला रही थाए। ये द्वार ना हूँ पेज नला द्वार, पुरुणा ना कहले पेजनल द्वार कहले ए स्थान को बुझेबे। तेणु से पेजनला ठारे ही बंधु महांती आसी सपरिवार आसर नहीं थे, पेटरे भोक डह डह भोक होची, भोक विकल प्रभुंक द्वारस्थ होते, अभाव अनटन प्रभुंक द्वारस्थ होते, बंधुंक द्वार को आसी बंधु मध्य बंधुंकर मर्यादा रखिचंती। ये से रोष घर देखुचंती, रोष घर ये छकटी होची काकुड़ी काही छक, पुरुणा बणिया पट्टी कहले वासी दांड जो कह, विभिन्न नाम पुरुणा नामकरण रही थाए। पट्टी जो बणिया पट्टी एवं ए स्थान रे एमार मठर स्थिति रही थला, ये जो देखुचंती छकटी मंदिर टी देखुचंती माँ काकुड़ी खाई, संपूर्ण रूपे देखत तोरण उपरे ये माँ विमलांकर प्रतिनिधि उपरे उपासिता। श्रीमंदिर भितरे अधिष्ठात्री देवी, श्रीक्षेत्र अधिष्ठात्री देवी माँ विमलांकर प्रतिनिधि रूपरे
एठी काकुड़ी खाई उपासित होती ये गोटे पीठ ये षोलो दिनाथ षोड़श दिनात्मक आशीर्वास पूजा स्वतंत्र भाव करा जाई थाए माँ ए माँ को दर्शन करी जो माने जानती कार्य को कर्मक्षेत्र को बा श्रीक्षेत्र बाहर को तांकर समस्त कार्य सिद्धि प्रदान करी थांती माँ मध्य काकुड़ी खाई देखुचन सुंदर भाव तोरण उपरे महिषामर्दिनी रूप देखुचं जो महिषासुर को बद्ध करिचंती महिषासुर को निधन बद्ध करी समस्त अस्त्र आयुध तांकर हस्तरे धारण करिचंती से अस्त्र जो विभिन्न प्रकार अस्त्र तांकर हस्तरे आपण देखुचंती त्रिशूल ठारु आरंभ करी शंख चक्र गदा पद्म फारसा ठारु आरंभ करी कोदंड पर्यंत सब किछि माँ का हस्त में शोभा पाउचंती कारण समस्त देवता माने प्रदान करते माँ को जिते महिषासुर को बद्ध करने कि भगवान को निर्देश बिजुली कन्या सृष्टि हेले जात हेले से बिजुली कन्या ही महिषासुर को बद्ध करे माँ दुर्गा ही महिषासुर को बद्ध करे देवता मान को रक्षा करे असुर को संहार करे तेणु से समस्त देवतांकर समस्त शक्ति आयुध को सी मागिथिले एवं समस्त शक्ति आयुध समस्त देवता माने मध्य प्रदान करिथिले माँ को जद्वारा समस्त हस्तरे माँ अस्त्र को धारण करी महिषासुर को बद्ध करिबा पाई सामर्थ्य होइथिले तेणु ये से काकुड़ी खाई पुरी रा अनेक गोसाणी यात्रा हुए आपण देखिछन्ति सीधा प्रसारण कार्यक्रम स्वतंत्र भाव पुरी रो गोसाणी बारबाटी ठारु आरंभ करी जनी खाई जनी मुंडिया पर्यंत शून्य गोसाणी ठारु आरंभ करी अनेक उपासिता मांकर जो गोसाणी मेढ़ आश्विन मासरे हेई थाए तेणु श्रीक्षेत्र मध्यरे विमलांक पीठ स्वतंत्र भाव एक तंत्रपीठ अनेक पीठ मध्य श्रीक्षेत्र रही विमला पीठ व्यतीत श्यामाकाली पीठ दक्षिणकाली पीठ काकुड़ीकाई पीठ हरचंडी पीठ एमते अनेक शक्ति मध्य उपासित होउठारे ना श्रीक्षेत्र मध्य सर्वोपरि सर्वमंगला शक्तिंकर उपासना जो चैत्र मंगलवार रे मंगलांकर उपासना करी मांकर कृपा आशीष नहीं थांती तेणु से मंगलवार दिन ही समस्त मांकर पथरे स्वतंत्र भाव रे साई मानकर पूजा देखा जाए एवं प्रपानक मध्य मांक उद्देश्य रे हुई थाए पणा बोली चैत्र मंगलवार पणा ये स्वतंत्र पणार मध्य महात्मा महन्यता रही पणा टिके प्राप्त होगापी समस्ते चाहता मंगलवार पणा चैत्र मंगलवार पणा ये स्वतंत्र भाव में माँ को उद्देश्य करा जाए तेणु वर्तमान अवकाश नीति बढ़ीबा परे पतित पावन नारायण कर पूजा पंडा सेवक सिंहासन उपरको गुमुट उपरको टिके उठिबा को पड़ी थाए एवं तुलसी रो माळ प्रथम माळ प्रभु अनेक पुष्प अलंकार धारण करिवे अनेक सुगंध पुष्प महाप्रभु को उद्देश्य भक्त भक्ता माने प्रदान करि थांती किंतु प्रथम से ग्रहण करि थांती तुलसी पत्र को तुलसी रो माळ टी प्रभुंकर पदारविंद रे पूजा पंडा सेवक अर्पण करि थांती स्नान विधि परे कारण सेई ठाकुर जे स्नान करी सारिबा परे तुलसी की ग्रहण करी थांती तुलसी पत्र को तुलसी माल को ग्रहण करिबा परे नानादि प्रकार तंगर अन्यान्य नीति होई थाए कहा जाए ये महाप्रभु हेउचंती एभली ठाकुर खाइबा पूर्वरु खुआंती सी कारण महाप्रभु निजे खाइबा पूर्वरु खुआई थांती आगो निजे खांती नाही खाइबा को देई थांती काहा को देबे ना द्वारपाल पूजा सरिबा परे महाप्रभु निजे ग्रहण करिवे
तेणु से कहुए महाप्रभु स्नानादि कर्म निजर नित्यकर्म सारापर से निजे खाद्य ग्रहण नक माटी पात्र देखुं ये दक्षिण द्वार जो से दक्षिण द्वार निकटे बाटे दक्षिण द्वार बाटे सब माटी पात्र ये आसी कुंभकार सेवक मान जोगे था कुंभार पड़ा माटिया पड़ा एटर कुंभकार विषोई सेवक मान था ये देखुं जो हांडी देखुं ये महाप्रसाद ये हांडी विभिन्न प्रकार माप थाए इमारा हांडी थाए बाई हांडी थाए समाधि हांडी थाए तेणु बड़ मठ सान मठ ओली सरा जहाँ सब देखुं ये जो आनबार गाड़ी टे देखु काठर गाड़ी टे ये काठर गाड़ी रे मनीष निजे टाणी सेवक जो सेवक कुंभकार विषोई सेवक प्रभु उद्देश्य माटी पात्र को गढ़ी थाए माटी पात्र को गढ़ापी प्रभु तक शंखचक्र गदा पद्म चारि आयुध कुंभकार विषोई को देखते से कुंभकार विषोई ए माटी पात्र जो देखुं हांडी टीए ये देखुं कौन यही अन्न भोग थाए जो अन्न महाप्रसाद बड़ हाँ टीए देखुं या बड़ हाँ अच्छी सबुठ बड़ बाई हाँ एमआर हाँ एवं ये हूँ समाधि हाँ जहाँ कह जाए ये अन्न हाँ बोली कह जाए ता भितर जो छोट छोट कुड़िया मान देखुं या हाँ ये हूँ कुड़ुआ विभिन्न प्रकार माटी पात्र आवश्यकता एवं भी रही महाप्रभु कारण महाप्रभु कूप जल स्नान करेंगे कूप जल रोष हम कौन सी प्रकार पानी जल सी पानी पाइप जोगे से तांकर व्यवहार अन्यत्र देखिबे मंदिर मानक रे पानी पाइप टांकी विभिन्न प्रकार लागी किंतु महाप्रभु तांकर मंदिर रे से सब प्रशय देना ना 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 मोर कूप पानी दरकार से गंगा जमुना ठू आरंभ करी अनेक कूप मध्य श्रीमंदिर भितरे रही महाप्रभु स्नान करेंगे स्वतंत्र जल कूप जल से कूपटू को रखिदेव महाप्रभु सुना कूप जल जो स्नान करते महाप्रभु सुना कूप उत्तर द्वार से कूपटे रही कूप मध्य जल उत्तोलन कराए महाप्रभु स्नान करेंगे ज्येष्ठ पूर्णमी दिन स्नान पूर्णमी दिन से कूप उजला जीव कूर उजला गलापर से जल संस्कार कर संस्कार पर से जल उत्तोलन करेंगे संप्रत सेवक मान से जल आसव स्नानेदी को स्नानेदी की जीवा पूर्व प्रभु पाखे जावा पूर्व अदिवास होता है अभिमंत्रित सुगंध द्रव्य केशर आदि कर्पूर पड़ी चंदन आदि पड़ी से जल सुवासित जल कर महाप्रभु निजे प्रत्यक्ष भाव स्नान करेंगे कूपजल स्नान करेंगे महाप्रभु कौन पाइप जल कि कौन माध्यम जल नुहे केवल कूप जल महाप्रभु स्नान करेंगे कूप जल महाप्रभु रोसई हम कारण रोष घर भितर गंगा एवं यमुना दुईट कूप महाप्रभु रखिंट पुणी विशेषत्व से जल कूपर जल के सुखे ना सर्वत्र जिते जलकिष्ट हो जल सुखी जाऊ गंगा यमुना को जल सुखार कई देखी ना कारण ये महाप्रभु वैचित्रता निजे महाप्रभु जो रोष कर गंगा यमुना कूपर से गंगा यमुना कूप निर्मल जल रे महाप्रभु रोष हम प्रत्येक अन्न आदि डाली तरकारी सब संप्रत सेवक मान रोष करेणु महाप्रभु कूप जल पीबे कूप जल स्नान करेंगे मटी पात्र रंधा हम मटी पात्र भोजन ग्रहण करेंगे नानादि प्रकार महाप्रभु तर व्यवस्था करके रखिंट ये हूँ दक्षिण द्वार हनुमान आज मंगलवार मंगलवार रे हनुमान दर्शन ये प्रभुंकर कृपार भगवान दर्शन प्रभुंकर कृपार हनुमान दर्शन ये राम भक्त हनुमान जो कहा जाए भक्ति मार्ग प्रधान आचार्य हूँ हनुमान भक्ति मार्ग प्रधान आचार्य बोली कह जाए ये चिरंजीवी ये जोटे हनुमान कथा चली थाए जोटि रामंकर कथा चली थाए राम भजन चली थाए से निजे उपस्थित हो जाती समस्त की जनई था अजणातर जाती ना समस्त की जनईदेवे ये प्रभु जाते बोली
ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆସି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ହନୁମାନ ବିଜୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବିଜୟ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ରଖିଲା ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ଅବିଳମ୍ବେ, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଦୃତ ହେଇଥାନ୍ତି ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ଇଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଇଏ ଆଉ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ହନୁମାନ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ ସୀତା, ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ହନୁମାନ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କଲ, କୌଣସି ଦେବତା, କୌଣସି ଋଷି, କୌଣସି ମୁନି, କୌଣସି ସାଧୁ, କୌଣସି ସନ୍ଥ, କୌଣସି ଭକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ରାମଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ହନୁମାନ ଡାକିଛନ୍ତି, କାରଣ ହନୁମାନ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ହନୁମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଲ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମୋର ବଳର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଇଏ ମୋର କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। କେତେ ଶରଣାପନ୍ନ ଶରଣାଗତ ଶରଣାତୀତ ସିଏ ହନୁମାନ, ସଦା ସର୍ବଦା ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାରଣ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି ହନୁମାନ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏକଥା ଶୁଣିବା କରି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ଭକ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ସେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ସେ ନାରାଜ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଦେଲେ କାଳେ ଅହମ୍ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଅଭିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଅଭିମାନ ଅହମ୍ଭାବ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ହନୁମାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ହନୁମାନ ଯୁକ୍ତ ପାଠରେ ଥିଲେ, ହନୁମାନ ମିଶାଣ ପାଠରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ମିଶେଇଥାନ୍ତି, ମିଶିଥାନ୍ତି ମିଶେଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମାଟିପାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରୋଷଶାଳାକୁ ସବୁ ଯିବ, ରୋଷ ଘରକୁ, ଗୋଟିଏ କଳା ଘୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପାଟୀ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଢାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଜୁ ସାଞ୍ଜ ଯାହା ପିନ୍ଧିବା କଥା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ କଥା ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ତୁମେ ଯାଅ, ଏ ଯାତ୍ରା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମୋର, ଏ ଯାତ୍ରା ହେବ ମୋର। ସତକୁ ସତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କାଞ୍ଚି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଭାବ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ହେବ ସେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୁପଥ ହେଇଯିବ। ସମର୍ପିତ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, କାରଣ ଏକମୁଖୀ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି,
ये से एकमुखी रास्ता दे भक्त मान आसुचंती श्रीमंदिर को श्रीमंदिर को प्रवेश करिवे तेणु धाड़ी रे आसी थांती धाड़ी व्यवस्था करा जाए श्रृंखलित दर्शन करिवे छोटो पिला माने आसुचंती से मानु को हाथ धरी न दौड़ी की नवा पाई मध्य सतर्क कर दिया जाउची सूचना दिया जाउची श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर स्वतंत्र भाव सूचना केन्द्र टीए रही कौन सी व्यक्ति दौड़ी की न जातु वृद्ध वृद्धा मान को धक्का मारी न जातु निजर पैसा पत्र निज हेफाजत रखत नानादि प्रकार सूचना मध्य प्रदान करा जाउची तेणु भक्तों दर्शनार्थे दर्शन निमंते सुव्यवस्था किभली भाव में भक्त स्वतंत्र भाव में आसी प्रभु दर्शन लाभ करिवे एटी लाभ ही है थाए कारण लाभ मनुष्य खोजी थाए सदा सर्वदा मनुष्य कलीर मनुष्य सदा लाभ खोजे लाभ क्षति आरे आज सका आसन टिके पूरी जीवा पूरी जीवि लाभ कौन एत सका डाकुचु कम अनेक अच्छी कम छाड़ी जीवि कौन लाभ पाइबि से चिंता आग अनेक प्रश्न गोटे प्रश्न ने अनेक प्रश्न को बाढ़ीदेव आपण तेणु लाभ खोजा मनुष्यर स्वभाव प्रवृत्ति लाभ देवा स्वभाव भगवान सदा बेले मनुष्य को लाभ दे सब बेले लाभ मनुष्य खोजी सब बेले लाभ भगवान दे चली कारण मनुष्य जीवन पाइबु लाभ गोविंद संगे करिले भाव जो मनुष्य जानी गोविंद संगे करिले भाव मत मिल सब लाभ सी आउ घरे रही सी एमती आसी हाथ को टेकिकी विकल तो विकल विकल भाव से प्रभु को केवल दर्शन करने तार अंतर आत्मा कांदु अंतर भितर अंतर जामी के खोजु मनरे तार मनुआ ठाकुर को तार खोजु हृदय तार इष्ट श्रेष्ठ को सी खोजु कारण ये खोजार भावना प्रभु दे प्रभु खोजार खोजे जड़े जन को खोज से आपणकर जदि आत्मीयतार भाव लोकटे किए अदृश्य हो गला आपण आपण ताकू खोजी था मन पक चिंता करी था कुआडे गला बोली विभिन्न स्थान को जा था पचरा पचरी करी था अन्वेषण करी था खोजी था से आत्मीयता भाव कुटुंब रु किए हो परिवार रु किए हो किए जदि कुआडे हजी जाए भाव में भक्त बेले बेले भगवान को खोजी थाए जी सर्वदा खोजी थाए से भगवान पाखे रही था भगवान सर्वदा जानती ना अच्छा सर्वव्याप्त सबुटी अच्छा कह जाए भगवान को खोजा जाए ना जी चली जाई थांती तांकु खोजिबे आपण जी सर्वदा अच्छा खोजिबे कौन तेणु ये हूँ भावर मार्ग व्याकुलता प्रदर्शन करा जाए प्रभु को दर्शन करिवार खोजिबा मन भितर आसी थाए खोजती कहीं प्रभु को दर्शन करें वस्त्र श्रृंगार प्रभु आरंभ कले पूजा पंडा सेवक जो वस्त्र देखुं वस्त्र आरंभ कले पिंधेबा ये वस्त्र पिंधेबे पुष्पलंकार मान पिंधेबे ये नानादि प्रकार तांकर बेश श्रृंगार वर्तमान बढ़ुचंती आरंभ हला बेश श्रृंगार प्रभुंकर तीनर बेश श्रृंगार जो बेश श्रृंगार प्रथम बारपाटिया जो कहा जाए मंगलवार आज विभिन्न रंग थिबा लुगा को सी पिंधिबे स्वतंत्र भाव में स्वतंत्र कुंच करी भगवान तांकर लुगा पिंधि थांती एवं सेवक तांकर पिंधि थांती पिंधिबार जो तांकर कौशल रही थाए आमे समस्ते लुगा पिंधिबा जो माने पिंधंती अंटारू लुगा पिंधिबे किंतु महाप्रभु तांकर मस्तक राग लुगा पिंधा जीव पतित पावन देवंकर देखुचंती बारपाटिया लुगा ये कहा जाए विभिन्न प्रकार लुगार नामकरण रही प्रभुंकर गोटे लुगा पिंधिबे नि प्रभु ऋतु अनुजाई वस्त्र पिंधि थांते गरम दिन आसिले तांकर शीतल लागुतबा वस्त्र से पिंधिबे गरम वस्त्र गरम लगुवा लुगा आम जमी गरम दिन आसिले सूता वस्त्र पिंधि था कौन सी प्रकार सूता वस्त्र छड़ा जो वस्त्र गरम दब ताकू पिंधि न था अनिच्छा करी था महाप्रभु मध्य
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଖାଲି ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରାମ ଦେବ ସେତିକି ଲୁଗା ସେଇଭଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯାଏ, ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା, ସେଭଳି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗା ସବୁ ମାନ ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ମାପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପିନ୍ଧେଇବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପିନ୍ଧିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଦିଶିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଗଲେଣି। ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଭାଗ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ସମୟର ଯେଉଁ ଧାରା ବିବରଣୀ, ଭକ୍ତିର କଥା ଅମୃତ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପାସନା, ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା, କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉପାସନା କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱାର ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବୁଲିବେ, ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲି, ଚତୁର୍ଦିଗ ବୁଲି ବୁଲି, ଚତୁର୍ଧାମର ପୁଣ୍ୟତା ନେଇ, ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଆଜି ସକାଳକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର। ଆସନ୍ତୁ, ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ଭୂଖଣ୍ଡ